आप कानून के जी रखवाले भी हैं, फिर आप उस तंजीम के एग्जीक्यूटिव कमेटी चेयरमैन भी हैं जो बिल्कुल ही कानून के रखवालों की ऑर्गेनाइजेशन है। अब मियां नवाज शरीफ तो वापस आ गए, उनकी ज़मानत भी बहाली अपील मंजूर हो गई, चेयरमैन पीटीआई अंदर हैं, आपको इलेक्शन नज़र आते हैं? सदर कहते हैं यकीन नहीं है, इलेक्शन कमीशन कहता है शक ना करें। देखिए, सदरे मुमलिकत साहब का जो किरदार है वो बड़ा, मैं समझता हूँ, ड्यूबियस किस्म का किरदार है। तारीख का ऐलान उन्होंने करना था, आर्टिकल 48 सब क्लास 5 बहुत क्लियर है। उसमें उनको चाहिए था कि जिस दिन उन्होंने कैबिनेट का ओथ लिया उससे अगले दिन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए वो डेट अनाउंस कर देते, तो उनके हद तक तो कम अज कम एक आईनी जिम्मेदारी हो जाती और फिर बाल जो है तो वो ये जो चली जाती कोर्ट। सुप्रीम हाँ कोर्ट जी में ऑब्जर्वेशन आई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि जिन्होंने तारीख देना थी फिर उनसे पूछा जाएगा, तो आप रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को? नहीं तो नहीं, एक रिलेट सवाल क्या पाशा कर रहे साहब, हैं, मेरा सवाल भी एक ले लें। जो उन्होंने एक 9 अप्रैल हकीकत और है। 30 अप्रैल की तारीख दी थी उसका क्या असर हुआ था? तो आप सवाल अपना मेरा आपसे है। शुएब शहीन साहब, मैं आपका जवाब देता हूं। असल में प्रॉब्लम ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर मैं रहे हैं और जरूर ये करता आपकी हूं, लेकिन मैं मजबूरी कानूनी है, बात भी तो करता और हूं। सुने मैं ना, कानून भी तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं जानता हूं। ये आपकी मजबूरी है। नहीं, नहीं आप बहुत अच्छा जानते हैं और आप हमसे बेहतर जानते नहीं हैं, नहीं आप लेकिन आइए, प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर जरूर रहे करता हैं, हूं, इसमें आप कोई शक उसके नहीं है मंशूर पे अल्हम्दुलिल्लाह। अमल कर रहे हैं और आपने बार एसोसिएशन के ओहदे को मिस यूज करते हुए आपने पार्टी की नुमाइंदगी की। सॉरी टू अगर से, असल रजा पाशा मैं साहब ये आप और मेरी बात करेंगे ना, तो मैं आपको मेरी कहूंगा बात सुने आपने पीडीएम का मेरे बयानिया लेकर और यहां मैं ना आईन की पीडीएम का पामाली में हूं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने फ्रंट फुट पे अच्छा आकर अच्छा रोल अदा किया। मैं तो एक एक पीडीएम के ओपिनियन साथ जाननी मिलकर है। पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं अच्छा, होने शुएब दिए, शाहीन साहब, जब आईन की जब मुअत्तली आप बोल कराई रहे होते हैं 90 डेज के कानून इलेक्शन में, का शुएब शाहीन सुप्रीम साहब, कोर्ट को तकसीम करने में हद हो आपका गई रोल है है। शुएब आपने शाहीन उन साहब, इलेक्शंस के लिए जब एक सुप्रीम मिनट कोर्ट शुएब ने शाहीन फैसले साहब, दिए, आप उनके खिलाफ शुएब जाकर शाहीन खड़े हो साहब, गए एक मिनट पिछले एक एक मिनट साल से। हाँ, एक जब मिनट मैं सदर था, प्राचा मैं किसी पार्टी में नहीं साहब, था, शुएब और शाहीन अल्लाह का साहब, शुक्र एक है मिनट मैंने यार, एक मिनट मेरी आप अगर जो एक सुनाए मिनट वो क्या कर रहे हैं, जो आईन की नहीं कर रहे कपालदस्ती के हैं। अलावा कोई एक चीज शुएब अगर साहब, आपका मेरा कोई एक स्टेटमेंट उठा लोगे शुएब साहब, जो एक आईन और मिनट, कानून के बरक्स अच्छा है, मैं अपने आप को एक जिम्मेदार मिनट मनाऊंगा। पाशा साहब, जो मैंने क्वेश्चन किया, प्लीज जरा मेरी गाइडेंस के इसलिए लिए अगर आप जरा, पर्सनल करेंगे नहीं ना तो शुएब आपको शाहीन साहब, ज्यादा प्लीज प्रॉब्लम आएगा। प्लीज जरा, मैं एक ये मुझे कानूनी, बताएं, एक पिछले कानूनी, साल मैं सदर एक सुप्रीम कोर्ट कैसे बार थे, पहले एहसान मिस्टर भुट्टो एक मिनट किसका एक एजेंडा लेके एक चलते मिनट रहे एक हैं? मिनट ये एक मिनट ये पाकिस्तान बोल बार रहे थे कौंसिल मैं किसका खामोश एजेंडा एक लेके मिनट चलते एक रहे मिनट हैं? हमने तो सिर्फ आईन और जी कानून की पाशा बात साहब, की। एक तो इनकी ट्रेनिंग ही इनके लीडर ने ऐसी की है कि हर मामले में अपनी नोज पोक इन करनी है, मुझे समझ नहीं आती। मैं पाशा बात साहब, कर जब रहा आप हूं, पर्सनल जब आप करेंगे ना, शुएब शाहीन साहब, आप जरा अपने आप जरा को जवाब पीछे तो लेने अंदर दें गरेबान में झांक के फिर आगे शुएब शाहीन चलना। साहब, जवाब तो लेने दें। गरेबान आप को भी नहीं पा, झांका, पाशा हुए साहब, जवाब प्लीज को जरा पर्सनल मेरे देंगे तो सवाल आप पे, आई नो यू बस अब बात पहले हो गई ना आपकी, प्लीज बस हो पाशा गई साहब यार। प्लीज। प्राचा साहब प्लीज देखिए, जब मैं बात कर जब वो बात कर रहे होते, मैं कभी भी नहीं बोला, सही बात है, कभी सही बात है। इंटरफेरेंस नहीं की, लेकिन इनको क्या पता नहीं क्या आदत है ज्यादा बोलने की, इन्हीं से सवाल कर लिया करें, हमारे जवाब भी ये दे दिया करें, नहीं नहीं प्लीज बड़ा प्लीज शौक है इनको। आप प्लीज पाशा साहब, प्लीज कूल डाउन पाशा साहब, कूल प्लीज डाउन। गो अहेड गो अहेड। नहीं मैं तो नहीं, इनको पता नहीं अपने लीडर के नक्शे कदम पे चलते हुए अच्छा जरा इस मेरे मेरे तरीके सवाल का बात ये है कि जब शोएब आप शाहीन बातियात साहब, पे आएंगे तो आपको फिर जवाब शोएब मिलेगा। शाहीन साहब जब आप प्लीज, अब कानून बात हो आईने की गई बात ना, करेंगे हम आपका अच्छा एहसान करेंगे। बात हो गई ना, बात हो और गई, यार प्लीज कौन से बात करें, एहतसाब अपनी आपका, बात करें, एहतसाब बात हो गई। कभी जी पाशा पकाया है? साहब, थोड़े पाशा बात साहब जरा मेरे मेरे सब सवाल, जानते हैं आप पाशा साहब मेरे सवाल पे प्लीज आ हाँ जाएं, जी मैंने राय साहब से भी सवाल करना है। जी।